हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ जियो से संबंधित। तो अगर आपके पास जियो का सिम है तो ये जानकारी आपके लिए है। तो दोस्तों, जियो सिम को हम रिचार्ज कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और 209 का रिचार्ज हम कैसे करेंगे, क्योंकि ना ही वो गूगल पे में शो हो रहा है और ना ही पेटीएम में शो हो रहा है। जैसे मैं पेटीएम खोलता हूँ और आपको प्रूफ के साथ में दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं रिचार्ज करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ जो 209 का रिचार्ज है वो शो नहीं हो रहा है, अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहे थे। जैसे भी यहाँ पे बहुत सारा नंबर शो हो रहा है, किसी का रिचार्ज करना है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये नंबर को रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो देखिए ये शो हो गया। अब यहाँ पे मेरे को 209 का रिचार्ज करना है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर मैं यहीं पर अगर टाइप भी करूँ 209 रुपया, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख के आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आगे रिचार्ज भी 209 रुपया और कॉल नॉट फाइंड एनी प्लान। ठीक है, 209 का कोई प्लान वलान नहीं है इसके लिए। और नीचे भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर मैं गूगल पे में भी जाऊँगा तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है गूगल पे में भी, कि 200 का रिचार्ज नहीं है, 209 का रिचार्ज नहीं है। तो उसको हम कैसे करेंगे आज के वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपना माई जियो अप्लीकेशन डाउनलोड करना। अगर नहीं डाउनलोड है तो, अगर डाउनलोड है तभी ठीक है, डाउनलोड किए हैं तो उस पर ओके करिए। अपना रिचार्ज कर सकते हैं या अपने फ्रेंड का रिचार्ज कर सकते हैं। 209 रुपये का कैसे किया जाता है आज किस वीडियो में बताऊंगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा माई जियो का। आपको ऑलरेडी अपने मोबाइल से लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे नीचे कोने पर यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखाई देगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोफाइल सेटिंग, यहाँ पे रिचार्ज और मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे रिचार्ज फॉर फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड का रिचार्ज करना चाहते हैं तो फ्रेंड का यहाँ से कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ गया। अगर आपको याद है तो यहाँ से डाल सकते हैं, अगर सेफ है तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सेफ वाले पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो भी आपका नंबर है वो यहाँ से निकाल लेना है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ, निकल के देखिए यहाँ पे नंबर आ गया। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको गूगल पे या पेटीएम या फ़ोन पे किसी से रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पॉपुलर प्लान। अब देखिए यहाँ पे वो शो करेगा 209 का रिचार्ज। मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है कि आपको पर डे कितना का चाहिए। 2.5 2 GB पर डे, 1 GB। तो मेरे को 1 GB वाला करना है और 3 ही रिचार्ज है इसका। दिखा रहा है कि यहाँ पे 1 GB का 3 रिचार्ज है और 2 GB का 8 रिचार्ज है और 1.5 GB का 9 रिचार्ज है। ठीक है, तो मेरे को 1 GB वाला पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे फटाक से 209 का आ गया ना, और देखिए नीचे भी है 1 GB का। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, 209 का रिचार्ज करना है तो इस पर क्लिक करिए रिचार्ज पर। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा आपको किसे रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में हमारा शो हो रहा है अमाउंट प्लान 209 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिचार्ज करने के लिए ऑप्शन दिखा दे रहा है। देखिए गूगल पे पेटीएम जो भी आपके मोबाइल में रहेगा वो शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे दो ही है, पेटीएम और गूगल दोनों है। अगर और देखना तो यहाँ पर सी एल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके मोबाइल में रहेगा वो शो करने लगेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल पे वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए पे वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए अभी पे का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका गूगल पे खुलेगा, यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का जो भी MPIN होता है वो डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है रिचार्ज करने के लिए। इसी तरह से आप रिचार्ज कर सकते हैं 209 का। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज चैनल पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चले फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।